राजा, मैं कहती हूँ रुक जाओ राजा, मेरी बात तो सुनो। क्या कहना चाहती हो तुम? क्या मैं लगा इस तरह का हंगामा करके आए? राजा, मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे बिना जी सकोगे? नहीं। तो फिर इस तरह मुंह क्यों फेर रहे हो? मधु, जिन लोगों ने मुझे पाल पोस कर आज इस लायक किया जिससे तुम प्यार कर सको, आज जो लोगों के एहसान का पलड़ा तुम्हारे प्यार पर भारी पड़ रहा है। क्या मतलब? फूलों के पालने में पाला है उन लोगों ने सनात को। बचपन में जब छींक आ जाती थी ना तो माँ बेचैन हो जाती थी, जब बुखार आ जाता था ना तो बाबूजी आसपास के गांव के तमाम वैद्य और हकीमों को इकट्ठा कर लेते थे। बड़े बड़े नसीब वालों को इतना प्यार नहीं मिलता जितना प्यार मुझ बदनसीब को मिला है, मालूम है? माधु, तुमने तो राजा बाबू से प्यार किया, जमेदार राजा बाबू, मगर ये राजा बाबू एकदम कंगाल निकला। मेरे पास अपना कुछ नहीं है इस दुनिया में। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता राजा, जो प्यार की जोत तुमने मेरे दिल में जगाई है अब उसे तुम तो क्या सारी दुनिया नहीं बुझा सकती। बाबूजी, मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ, अपनी पढ़ाई के घमंड में मैंने जो कुछ भी कहा था उसे मेरी नादानी समझकर भूल जाइए, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ हाँ, माफ कर दिया, अब तुम भी मुझे माफ करो। बाबूजी, अगर आपने मुझे माफ कर दिया तो इस तरह मुंह फेर कर क्यों जा रहे? देखो, मेरे बेटे का एक लड़की के साथ मैंने रिश्ता किया था, उसके लिए कार्ड भी छपवाए थे, वो कार्ड भरी महफिल में मेरे मुंह मारे गए थे, वो बात मैं भुला चुका हूँ। मेरी पत्नी ने मुझको बताया बिना तुम्हें वो तस्वीर दिखाई थी जो मेरे बेटे की वकील की लिबास में थी, उसके लिए भरी महफिल में मुझे फिर जलील किया गया, वो बात मैं भुला चुका हूँ। उस बात के लिए मैं अपनी पत्नी को माफ भी कर दिया है, सब भुला दिया मैंने। बाबूजी, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन इसकी इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, मैं आपके बेटे के बिना नहीं जी पाऊंगी, मेरी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए बाबूजी। बेटी, ये देखो, मैंने अपने बेटे का एक और जगह रिश्ता तय किया और उसके लिए कार्ड भी छप गए हैं, इसलिए मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि तुम उस लड़की की जिंदगी बर्बाद मत करो। क्या ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ। तो ठीक है, मैं भी देखती हूँ आप ये शादी कैसे करते हैं। मैं आपको वचन देती हूँ कि मेरे गले में मंगलसूत्र आपके बेटे के हाथों ही पड़ेगा। क्या बदतमीजी कर रही है तुम मेरे बाबूजी के साथ? मेरे बाबूजी जो कहेंगे वही होगा, ये जिसके गले में मंगलसूत्र डालने के लिए कहेंगे मैं डाल दूंगा। राजा, ये तुम क्या कह रहे हो? सबके सामने कुछ कहते हो, अकेले में कुछ और कहते हो। मेरे दिल पे क्या गुजरती है इसका भी कुछ ख्याल है तुम्हें? बेदर्दी कही के। अरे किसनवा, अरे मुझे तो ऐसा क्या कि कहीं मेरी बेटी कुंवारी ना रह जाए। अरे अरे, मुझे तो इस लड़की की बातों का डर नहीं, हमारा शक तो राजा पर है। बाबूजी, आप मुझे शक की निगाह से मत देखिए, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, मेरी शादी काका की बेटी के साथ ही होगी। आप कहे तो मैं अभी उसके गले में मंगलसूत्र डाल देता हूं। नहीं, मुझे विश्वास है तुझ पर। कौन है तुम यहां क्या कर रही हो? हटो जी, यहां नहीं आऊंगी तो और कहां जाऊंगी? देखो, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, कल किसी तरह मैंने अपने आप को बाबूजी से बचा लिया, अगर उन्होंने हमें एक साथ देख लिया तो। बाबूजी आ रहे हैं। अरे बाबूजी आ रहे हैं। देखो राजा, अब अगर मैंने भागने की कोशिश की तो वो लोग मुझे देख लेंगे, मैं इस घास में छुप जाती हूँ, जब वो जाएंगे तो मैं भी चली जाऊंगी। हाँ, तुम छुप जाओ। अरे अरे सुनो, बाबूजी के जाते ही मुझे आवाज दे देना। हाँ दे दूंगा। राजा जी। बाबूजी, मैंने तुझसे कहा था दूसरों से काम करवाना, तूने खुद शुरू कर दिया। तो क्या करूं बाबू, कुछ काम ऐसे होते हैं जो खुद ही करने चाहिए। मार गया। क्यों? धूप 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 होते बाबूजी, आप बहुत छांव में खड़े रहकर बात कीजिए ना। कहाँ है धूप?
मैं काम कर। लोग जुकाम से मरने का था धूप है। अरे नहीं नंदू, ये क्या कर रहा है तू? गैया को चारा डाल रहा हूँ। अरे मैंने चारा डाल दिया, तू जाया से। तेरा भूख तो भैं क्यों कर रही है? थोड़ा सा और डाल रहा। अरे नहीं मैंने डाल दिया, तू जाया से। अरे बेटा क्या है, क्यों जिद कर रहा? थोड़ी सी घास डालना चाहते तो डाल देना। नहीं नहीं बाबूजी, वो ज्यादा खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। घास खाने से? तू जाया से। ये क्या हो रहा है बाबूजी? आइए छांव में खड़े रहते हैं। यहाँ क्या बोल रही? आइए ना। अच्छा बाबा चल। ये क्या है, ये कपड़ा यहाँ पर कहाँ से आया? अरे ये तो किसी लड़की की ओढ़नी लगती है। अरे क्या काका, किसी भी फालतू कपड़े को ओढ़नी कहते हो? कोई फेंक गया होगा। कितने भोले हैं, रेशमी कपड़े की भी पहचान नहीं है इनको। अजी सुनिए, आपके बाबूजी गए या नहीं? घास पे बहुत खुजली हो रही है। ये तो अच्छा हुआ कि आपके चुमने से पहले बाबूजी आ गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अरे भाभी आप लोग। अरे राजा जी, आपने बताया क्यों नहीं कि ये लोग अभी तक गए नहीं? मैं चलती हूँ। चुम्मा याद रखोगे ना? मेरी ओढ़नी कहाँ है? ये लीजिए आपकी ओढ़नी भाभी जी। अच्छा राजा, राजा जी कल फिर मिलूंगी। देखा आपने, एक तरफ शादी की तैयारियां हो रही है और दूसरी तरफ रासलीला मनाई जा रही है। बाबूजी ये लड़की झूठ कह रही थी, इसे आते ही मैंने जाने के लिए कहा, मगर आपको आता देखकर ये घास के डेरे में घुस गई। मेरा यकीन मानिए बाबूजी, ये लड़की जो कह रही थी झूठ कह रही थी। ये बात याद रखना राजा बेटा, तेरी शादी की गांठ से मेरी इज्जत बंधी हुई है। तू औरतों में क्या कर रहा था? मर्दों में चल। जब तुम मारते रहते। आइए भाई साहब, आइए आइए बहन जी। पुलिस, मालिक जी पुलिस आ गई। अरे किशन सिंह, इस समय आप पुलिस क्यों आई है? चलो देखते हैं। नमस्ते जी। नमस्ते चौधरी साहब। कैसे आना वो? माफ कीजिए मगर ये शादी आप नहीं करवा सकते। अरे किशन सिंह, जिस बात का डर था वही हुआ, मैं तो बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। अरे यार तुम ठहरो तो सही। अरे तो कुछ कर ले यार। क्यों क्यों नहीं कर सकते शादी? जरा कार्ड दीजिए प्लीज। थैंक यू चौधरी साहब। ये कार्ड सबसे पहले आपके बेटे राजा की शादी के लिए छपाया गया था। जी। इसमें जो नाम लिखा है मधु, वो इसी लड़की का नाम है क्या? जी। फिर आप इस लड़की से रिश्ता तोड़कर अपने बेटे की शादी दूसरी लड़की के साथ क्यों करवा रहे हैं? रिश्ता मैंने नहीं तोड़वाया था, इस लड़की ने खुद शादी से इनकार किया था। शादी से इनकार मैंने नहीं किया था इंस्पेक्टर साहब, बल्कि इन्होंने खुद रिश्ता तोड़ दिया, इसलिए कि शादी तय करते वक्त इन्होंने दहेज में 25 लाख मांगे थे, मगर अचानक शादी के 4 दिन पहले 50 लाख मांगने लगे। मेरे पिताजी ने तो कहा कि अब जबान से फिर रहे हैं, मैं 50 लाख नहीं दूंगा। बस इन्होंने फौरन दूसरी लड़की से अपने बेटे की शादी तय कर दी। लड़की खबरदार, मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया तो। मैंने तुम लोगों से जायज मांगा था? कब मांगा था मैंने? आप रुकिए, मैं बात करती हूँ। मधु बेटी, तू मेरे बेटे को पसंद करती है, उसे शादी करना चाहती है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये सब झूठी कहानियां बनाकर मेरे पति को सारे गांव के सामने बदनाम कर रही है, ये तो अच्छा नहीं है। चौधरी साहब, हो सकता है सारी गलती इस लड़की की हो, मगर इसे दहेज के बारे में आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाइए, इसलिए आपको थाने चलना होगा। ठीक है, आप ये शादी हो जाने दीजिए, उसके बाद जहां कहेंगे हम चलेंगे आपके साथ। माफ कीजिए चौधरी साहब, अदालत का फैसला आने तक ये शादी आप नहीं करवा सकते, वरना मजबूरन आपके साथ मुझे दूल्हे को भी गिरफ्तार करना होगा। बाबू जी मैं जेल जाने को तैयार हूँ, मगर आप ही शादी कीजिए। शाबाश बेटे, जीते रहो जीते रहो। यार ये सब क्या हो रहा है? मधु, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे भूल जाओ, मैं अपने बाबूजी की और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तुम क्या कह रहे हो राजा? तुम्हें नहीं तो मुझे सलाह दी थी,
कि शादी के दिन ऐसे आकर कहना शादी रुक जाएगी और तुम मुझसे मंदिर में शादी कर लोगे। अब तुम ही मुझे जाने के लिए कह रहे हो। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है, मैंने तुम्हें कब शादी दी? बाबू जी झूठ बोल रही है। मैं झूठ बोल रही हूँ? ससुर जी आप ही नंदू से पूछ लीजिए, उस वक्त वो भी वहां था। नंदू चल बाबू जी को सच बता दे कि साजिश में मेरा कोई हाथ नहीं था। राजा बाबू आप तो जानते हैं कि मैं आपके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन आप सब लोग मेरे बिना कुछ बोले ये समझ जाइए कि सच क्या है और झूठ क्या है। नंदू बाबूजी झूठ बोला था। बाबूजी ये बाबूजी आप मुझे चक्री का से क्यों देख रहे हैं? ये लड़की झूठ बोल रही है, आप मेरा विश्वास कीजिए ना बाबूजी। निकल जाए से, निकल जाओ मेरे घर से नमक हराम। क्या कहा आपने, नमक हराम? हाँ हाँ नमक हराम। नमक हराम ही नहीं बल्कि ये गंदी नाली का वो किला है जिसने आज ये साबित कर दिया कि पराया खून पराया होता अपना कभी नहीं हो सकता। बस कीजिए। एक मरतबा नहीं सौ मरतबा मैंने इस जलील से पूछकर इसकी शादी तय की, मगर इस सांवर इस कुत्ते इस लड़की के साथ मिलकर मेरी इज्जत को खाक में मिला दिया। मैं कहती हूँ खामोश रहो। तुम खामोश रहो, आज तुम खामोश रहो, आज मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी, क्योंकि जिस सांप को मैं सारी जिंदगी अपना खून पिलाता रहा उस सांप ने आज मुझको डसा है। अरे आज इसने अपनी औकात दिखाई है मुझको, मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया है कि रास्ते के कुत्ते को रास्ते में छोड़ना चाहिए, घर में कभी नहीं लाना चाहिए। बस इसके आगे एक शब्द भी मत कहिएगा। आज आपने इसे नहीं एक मां को गाली दी है, उसकी ममता को गाली दी है जिसके साये में ये पला है, उस दूध को गाली दी है जिसे पीकर ये बड़ा हुआ है। आप समझते क्या है, क्या समझते हैं कि आपकी जायदाद की लालच में यहाँ पड़ा हुआ है? अरे मेरा बेटा आपकी जायदाद पे थूकता तक नहीं। चुप कर माँ। तू चुप रह, तू नहीं जानता कि इन्होंने हमेशा तुझसे भेदभाव रखा है और जितना जहर इनके दिल में था ना आज सब सामने आ गया है। चल यहाँ से, जिस घर में मेरे बेटे के लिए जगह नहीं उसकी माँ भी उस घर में नहीं रहेगी। ये क्या कह रही है? ठीक कह रही हूँ, और उसी दिन इस घर में वापस कदम रखूंगी जिस दिन ये सबके सामने कबूल करेंगे कि तू ही इनका बेटा है। इतना गुस्सा मत कर माँ, बात बिगड़ जाएगी। बात बिगड़ तो गई, अब क्या बाकी है? अरे तो इसमें तो नाराज होने की क्या बात है, मेरे बाबूजी ने मुझसे कुछ कहा है ना, किसी और ने तो कुछ नहीं कहा ना। इसी बात का दुख है कि इनको तो नहीं कहना चाहिए, कोई और कहता तो मैं बर्दाश्त भी कर लेती, मगर ये ऐसी बात। चल यहाँ से माँ, मैं कहती हूँ चल। मेरी बात सुन, चल कर भला तो हो भला।